नमस्कार कैथल खबर से, मैं विक्रम यादव। इस समय हम मौजूद हैं कैथल की नई अनाज मंडी में। आपको बता दें कि नई अनाज मंडी में गेहूं की आज पहली ढेरी है, वो पहुंच चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो किसान का पीला सोना है वो मंडी में पहुंच गया है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी, हर बार होती है, लेकिन इस बार भी खरीद तो शुरू है लेकिन अभी तक ढेरी नहीं आई थी। और ये आप देख सकते हैं कि पहली जो गेहूं की ढेरी है वो मंडी में पहुँच चुकी है। हालाँकि इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी तक जो धान है वो आ रहा है। हर बार 1 अप्रैल से जो धान है वो मंडी में रोक दिया जाता था क्योंकि गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन सिल्लाखेड़ा के वो किसान हैं जो पहली डेयरी मंडी में लेकर आए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से कितने एकड़ की ये लेकर आए हैं और क्या कुछ है बिक्री को लेकर, भी क्या कुछ प्रावधान है इनका किया गया है। हाँ जी, नाम आपका? भूपिंदर सिंह जी। कौन सा गाँव है जी? सिल्लाखेड़ा गाँव। कितने एकड़ की लेकर आए हो जी आप? ये है जी 10 एकड़ के करीब। सूखा जी माल? हाँ सूखा है जी। तो पहली डेयरी आपकी आई है, तो खरीद वगैरह के बारे में क्या कुछ बातचीत? खरीद का तो ये है जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भी जो पिछले 10-12 दिन से गर्मी आई है अचानक जी, उसकी वजह से गेहूं बिल्कुल तैयार है किसान के, पक चुकी है जी। और सरकार से ये अनुरोध है भी अपनी नींद से जागो और इसकी खरीद के लिए जो इंतजाम है उनकी सुध लो उठ के जी अपना, और कोई राहत भरी खबर लेके आओ किसानों के लिए जी। जल्दी से जल्दी अपनी खरीद चालू करवाओ जी। तो गेट पास वगैरह सारा जो प्रोसीजर आपने करवा लिया? हाँ सर, वो अभी तो करवा लिया है जी, वो इसका पंजीकरण वगैरह भी सब हो चुका है। तो कितने बजे आप लेके आए थे ये? ये आज कल कटवाई है जी, आज सुबह लेके आए हैं 11 बजे। तो जो खरीद एजेंसी के अधिकारी हैं वो आए हैं? सर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो बिल्कुल सूखा माल है? सूखा है जी बिल्कुल, देखो आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब की बार ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट है वो खरीदेंगे और खरीदेंगे, तो आपको क्या कहना चाहोगे? सर अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, आगे देखो भी सरकार आती है पहले या प्राइवेट आते हैं जी। हाँ जी। तो टोटल कितने एकड़ आपके पास? सर 20 एकड़ के करीब है अपने पास। सारी कटवा दी? नहीं, अभी ये जो बिल्कुल तैयार थी वो कटवाई है जी, वो भी तैयार है, बाकी ये खरीद की है देरी जी, तो जैसे हो जाएगी शुरू तो वो भी तैयार है, वो भी कटवाएंगे जी। सारे किसान भाई बैठे हैं तैयार जी। तो अब जो आड़ती हैं जिनकी दुकान पर ये ढेरी आई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह से इंतजाम जो सरकार ने किए गए हैं और क्या कुछ पूरा प्रोसीजर है, किस तरह से इस गेहूं की खरीद होगी। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम विनय जैन जी, मैं नई मंडी में आड़ती हूँ जी। अभी हमारी मंडी में पहली डेयरी आई है ये जी, अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है, ना प्राइवेट आया ना कोई सरकारी एजेंसी का कोई भी आदमी आया है जी। अब की बार क्या प्रोसीजर रहेगा खरीद का, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर गवर्नमेंट 1 अप्रैल से शुरू होती है जी, कह रहे हैं कल से शुरू हो जाएगी जी, और प्राइवेट भी बात हुई है हमारी आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया, हम सोच कल को आ जाए कोई ना कोई जी। तो इस ढेरी को लेकर आप मार्केट कमेटी कार्यालय गए थे? हाँ गए थे। आपने सूचना दे दिया डेयरी? हाँ दे, हम हमारा गेट पास कट चुका है, सारे कार्रवाई कर दी है हमने। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं मार्केट कमेटी वाले? ये कह रहे हैं कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ अभी तक आश्वासन दिया है, कल को देखो क्या होता है क्या नहीं जी। तो एक दिन वेट करना पड़ेगा? हाँ अभी तक वेट। ठीक है। और तो बारदाना वगैरह वो पहुँच गया दुकान पे? अभी तक कोई बारदाना नहीं पहुँचा है। अच्छा, तो बिना बारदाना कैसे सिलवाई वगैरह होगी? बस जब बिकेगा ये कह रहे हैं तब बारदाना आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये थे जो किसान ढेरी लेकर आए हैं, जो आड़ती है जिसकी दुकान पर ये गेहूं पहुंची है। तो किसान भाई भी देख रहे हैं कि उनकी हमारी चैनल के माध्यम से अपील भी है, सूखी ही कटवाएं और मंडी में सूखा जो गेहूं है वो लेकर आएं, ताकि आते ही उनकी जो गेहूं है वो बिक सके।